फिर से आपका स्वागत है। दादरी पशु मेला आज अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, तो जो भाई साहब काबुल है फर्स्ट चैंपियन है, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा हमारे फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं भाई साहब। भाई साहब एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस भाई जिडवाड़ी गाँव है, पानीपत जिला है, बोलू डेयरी फार्म के नाम से फार्म है। भाई साहब उम्र की बात करें अपने बुल की। उम्र भाई इसकी 5 साल है। नाम भाई साहब अपने? नाम गोलूटू है भाई। कौन सी नस्ल का है? मुर्रा नस्ल का। ब्लड लाइन की बात करें भाई साहब कहाँ से? ये इसका फादर भी हमारे पास था गोलू। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी का बच्चा है। विशेषताएं भाई साहब? विशेषताएं तो बस अभी को दिख रही है। विशेषताएं तो सब वजन में भी अच्छा है, सिंह सवार में सबसे अच्छा है। सिमन भी जैसे अवेलेबल करवा दोगे आपने जो किसान भाई है? हाँ सिमन फार्म पे है भाई, बिल्कुल भी आगे ले सकता है। एक बार अपने कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर 9861 27553। बिल्कुल। कितने सालों से ये शौक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? 21 साल से हो गया भाई, इसका फादर लाया था शुरू में पहली बार गोलू। अच्छा अच्छा, तो उसी से चल रहे हैं सब। बिल्कुल, तीसरी चौथी पीढ़ी है ये। इससे पहले भी आपने कोई कई जो बुल है वो चैंपियन बनाए हैं? हाँ, इसका फादर तो कम से कम 10 बार बना था। बिल्कुल, तीसरी बार अब ये बन चुका है। जो देख सकते हैं भाई साहब, हाइट लेंथ रंग रूप बिल्कुल। और भी अपने किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहोगे? किसान भाई यही कहना चाहेंगे भाई, सभी मेहनत करो, अच्छे पशु लाओ और मेहनत करो तो फल आगे ही आएगा। बिल्कुल। जैसे एक नंबर पे ये बुल अपना आया है, कैसा क्या कुछ महसूस कर पा रहे हो आप? खुशी तो सभी ना हो, एक नंबर पाओ, दो नंबर पाओ, एक नंबर पे तो और भी ज्यादा खुशी हो है। अब ये चैंपियन भी बन चुका है। इनाम राशि क्या कुछ मिलेगी भाई साहब? इनाम राशि का भाई बताएंगे, पिछले साल तो 5 लाख रुपए थी, अब की बार देखो क्या मिलेगा। जैसे भाई साहब आज दादरी जो पशु मेला राज्य स्तरीय आज अपने अंतिम चरण पे पहुंचा है, तो क्या कुछ आपको 3 दिन में देखने को मिला यहाँ पर? भाई 3 दिन में तो बहुत कुछ देखने को मिला है। सभी पशुपालक है जो सभी मेहनत करते हैं और सभी जज एक नंबर का डिसीजन दिया सभी कैटेगरियों में, और देखने का लायक मेला भाई कोई भी आ सकता है इसमें। कहीं ना कहीं पशु धन है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएगी आगे। बढ़ोतरी तो इन मेरे से ही होती है भाई, और आम पशु को तो क्या पता लगता है कौन है, जिडवाड़ी कहा है, कैसा बोल है, मेड़ों में आगे पता लगता है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। हाँ हाँ, काफी कुछ हर मेले में सीखने को मिलता है भाई। अपने जो किसान भाई हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगी कि मेलों में एक बार आकर जरूर देखें, एक बार अपने पशु जरूर लेके आए ना? हाँ किसान भाइयों से यही बोलेंगे भाई, सभी सरकार ने सुविधा करे की फ्री में बस लगा रखी है, खाने पीने की सही व्यवस्था है, और मेले में आए और देखें किसका पशु कैसा है, इन्हीं से पता लगता है। फार्मर से पूछते क्या खुवाते हो क्या चाहते हो, उन्हीं से पता लगता है। जैसे पूरी जानकारी आपको दी बुल के बारे में, तो जैसे आप, मेरा यही कहना है फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से कि हर मेलों में जाइए आप, वहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही बुल तैयार करते रहेंगे भाई साहब, तो फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बुल आपको जो दिखाया है, अगली वीडियो में हम दूसरे बुल के बारे में भी दिखाएंगे, तो फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहे, धन्यवाद भाई साहब। इसके जो ओनर है ना भाई साहब है वो पदम सरी भी है। अच्छा अच्छा, पूरे इंडिया में धन्यवाद।